हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां आप फाइनेंस के बारे में एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ मनी। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 3rd चैप्टर है, तो अगर आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से बेसिक्स ऑफ सेविंग्स एंड बैंक अकाउंट्स की वीडियोस देख सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको सेविंग्स, बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इमरजेंसी फंड्स और इन्वेस्टिंग के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द 3rd चैप्टर, बेसिक्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स या FDs बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिया में। FD एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड टाइम के लिए जमा कर देते हैं और उस पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। FDs का टेन्योर यूजुअली 7 दिन से लेकर 10 साल तक होता है, लेकिन अगर आपको एक डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो FDs और सेविंग्स अकाउंट्स डिफरेंट कैसे हुए? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में भी तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। वेल, सेविंग्स अकाउंट में हम अपने पैसे को जमा जरूर करते हैं, पर उससे हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से विदड्रॉ भी कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर FD में हम अपने पैसों को कुछ समय के लिए लॉक कर देते हैं और हमें सेविंग्स अकाउंट जैसी फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं। टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, FDs में इंटरेस्ट तो फिक्स्ड होता है, पर बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स देते हैं FD पर। हर बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और मार्केट कंडीशंस को कंसिडर करते हुए अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है। तो आप भी जब FD चूज करेंगे तो डिफरेंट बैंक्स के रेट्स चेक करना ना भूलें, क्योंकि इस कमाए हुए इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है। FD पर कमाया हुआ इंटरेस्ट टैक्सेबल है और इस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। FDs can help you save taxes under section 80C of the Income Tax Act. FDs को आप as collateral भी use कर सकते हैं बैंक से लोन लेते वक्त। तो overall, FDs are a good investment option for those who want to earn a fixed rate of interest and want to invest their money in a safe and secure manner. तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको helpful लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से INDMoney मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको INDMoney मनी ऐप डाउनलोड करना है और INDMoney लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ मनी कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ LinkedIn पर भी शेयर कर सकते हैं। INDMoney लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो INDMoney मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।